बिसम रहीम हमने ई आर एम पे काफ़ी बात की है आज हम इसकी ना थोड़ी हम पहले भी एग्जाम्पल्स देते रहे हैं आपको प्रैक्टिकली आज एक थोड़ी सी ना केस स्टडी पे हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ और उसमें कैसे ये वर्कआउट करती है वट आर द नीड हाउ इट अराइज और कैसे इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू गिव यू एन आइडिया कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है और वट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू ई आर एम रिसेंट चेंज टू इन्वामेंटल रेगुलेशन है ओनर्स ऑफ responsibility onto companies to prove that their action did not cause environmental harm. kyunki क्योंकि pe focus bhi भी बहुत हो गया और ज़रूरत भी है climate issues इतने ज़्यादा आ गए हैं तो environment पर काफ़ी focus है तो अब ये देखना जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनाई जा रही है कि जी आप अपना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखें कि आप किसी तरह से इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बनाएं अदरवाइज यू विल भी पीनिलाइज इवन नॉट अलाउ टू डू बिजनेस इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ दिस तो so, एक ये हम केस एक डिस्कस करते हैं द बोर्ड ऑफ ऑस्कल पेट्रोलियम डिसाइडेड टू रिव्यू इट्स पोजीशन एंड हाउ इट्स रेगुलेटरी चेंजेस कुड इंपैक्ट ऑस्कल पेट्रोलियम ये एक पेट्रोलियम कंपनी की हम बात कर रहे हैं जो कि यूरोपियन बेस्ड है कि ये इनका बोर्ड डिसाइड कर रहा है कि जी हमें अपनी पोजीशन को देखना चाहिए कि वेयर वी स्टैंड स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी चेंजेस और रिक्वायरमेंट्स को हमें अपने बिल्ट इन की जरूरत है द डायरेक्टर कंक्ूड दैट न्यू रेगुलेशंस पोटेंशली एक्सपोज बिजनेस टू कंसिडरेबल कॉस्ट उनका ख्याल है कि जब नई रूल्स आ रहे हैं स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट कि हमें बिजनेस को काफ़ी कॉस्ट करेंगे तो वी शुड बी रेडी इनफ टू डील विद दैम हमें उनको अभी टैकल करना चाहिए अब इसकी जो बिल्डअप क्या थी दे वॉज अ मेजर स्पिलेज फ्राम एन कंपेयर टू ऑल रेड ऑफ दफ्रीकन कोस्ट सेवरल यो स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन हुआ गया के एक ऑयल कंपनी थी उनकी किसी एक पॉइंट पे रिग पे बहुत मेजर जो है वहाँ पे स्पिलेज हो गया था ऑयल निकल गया था अब दैट वाज अ बिग कंसर्न बिकॉज वो इतना यूज इम्पैक्ट था और उस इन्वेस्टिगेशन हुआ कितने साल पहले अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन तो इट हैज़ रिजल्टेड इन हंड्रेड ऑफ मिलियन इन रिलेटेड कॉस्ट उसकी जो रिस्पेक्टिव उसका जो इम्पैक्ट आया उसको रेक्टिफाई करने में ठीक करने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर लगे बिजनेस जो था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसकी रेपूटेशन में बिजनेस में और उसकी जो प्राइस शेयर प्राइस वैल्यू डैट ड्रॉप सिग्निफिकेंट या उसके बाद वो इट कु इन अ गुड वे तो इट हैज़ अ बिग बिग इम्पैक्ट के उनका ये एक जो मामला हुआ so, दैट वॉज द पॉइंट कि ये इस कंपनी ने सोचा कि हमें ये इसको देखना उसके बाद रेगुलेटर भी एक्टिव हो गए और उन्होंने फर्दर उसकी रेगुलेशन भी लगाई तो वन रीजन फॉर बिल्डिंग अप वॉज दिस केस एंड देन द रेगूलेटर्स चेंजेस तो ऑस्किल पेट्रोलियम ऑल दो बेस्ड इन यूरोप इज अ ग्लोबल बिजनेस तब हमने पहली बात कर ली है कि अब तो ग्लोबल रूल्स हैं हम एक अदारा किसी मुल्क में बेशक रजिस्टर्ड है उसकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगह पे हैं तो वी हैव टू सी व्हाट आर द इम्प्लीकेशन रूल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड तो इनका लेकिन फोर कॉन्टिनेंट्स में इनका काम चलता है डिफरेंट कंट्रीज में दे आर वर्किंग सेलिंग कहीं कर रहे हैं कहीं ड्रिलिंग कर रहे हैं तो दे देव अ वाइड नेटवर्क तो रिसेंटली सेवल गवर्नमेंट हैव मोर अंटरवेस्टिक अप्रोच टू डोमेस्टिक इन्वायरमेंट पॉलिसी अब क्योंकि वो इशू इस तरह का आया और ओवरऑल भी नीड आए तो गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ और वो दे वॉन्ट टू इन्फोर्स इट तो वो काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए इस ऑयल डिजास्टर के मेनली इसके बाद तो द फाइनेंस डायरेक्टर स्ट्रॉन्गली एडवाइज द बोर्ड टू सेट असाइड एन अमाउंट इक्वल टू टू ऑफ प्रॉफिट मिटिगेट द अगेंस्ट एनी सच कॉज उसने कहा जी डायरेक्ट फाइनेंस डायरेक्टर ने कहा कि जी ये बड़ा रिस्क है तो हमें अपने प्रॉफिट का एटलीस्ट दस परसेंट साइड पर रखना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हमें उसको डील करने के लिए तो टेन परसेंट ऑफ ये अब हम सिर्फ कुछ हजारों या लाखों की बात नहीं कर रहे वे आर टॉक अबाउट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर फील्ड सफर्ड अ मेजर पॉइलेज कि अगर हमारी भी तरफ से हमारी भी कोई पॉइलेज हो गई इतना नुकसान हो गया कभी तो बट वी विल बी डूइंग सो वी शुड हैव सम रिजर्व फॉर दैट फाइनेंस डायरेक्टर प्रपोजल वॉज अप्रूव अलॉन्ग साइड द डिसीजन टू अंडरटेक अ फॉर्मल एनवायरमेंटल उन्होंने कहा जी ये तो ठीक है आपकी बात के पैसे साइड पर कर दें बट दैट्स नॉट सफिशेंट हमें अपना एक पूरा असेसमेंट की जरूरत है कि वेयर वी स्टैंड हमारी इन्वायरमेंटल की पोजिशनिंग क्या है कि वेयर वी रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट केयर इन्वायरमेंट रिस्क हम कहाँ स्टैंड करते हैं तो उसके लिए एक और आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है ये बोर्ड ने डिसाइड किया उस कंपनी के तो so डिस्कशन और क्या हुई बोर्ड में द बोर्ड मस्ट हैव ऑफ ऑल रिस्क है क्या इंपॉर्टेंट क्या है कि बोर्ड को सारे रिस्क पता होंगे तो ही वो कुछ डिसीजन बेहतर कर सकेंगे तो नीड टू हैव प्रॉपर ज so, कर तो so, हमें फिर एक ई आर एम की अप्रोच की तरफ फोकस हो गया हमें एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल का स्ट्रक्चर देखना है जो कि हमें इसमें हेल्प आउट करें ई आर एम शुड बी एबल टू प्रोवाइड रिजनेबल इंश्योरेंस टू द बोर्ड एंड टू शेयर होल्डर दैट बिजनेस विल अचीव इथ स्टीजिकब्जेक्टिव कि हमारा आप वो ई आर एम एक कम्फर्ट भी देगा बोर्ड को डेटा भी देगा इन्फॉर्मेशन भी देगा डिसीजन के लिए और शेयर होल्डर्स को भी कम्फर्ट होगी कि जी इस इदारे में अच्छे लेवल की ई आर एम इन्वॉल्व है और वहाँ पर वो उसको प्रॉपरली देख रहे हैं इसमें कुछ स्टेजेस उन्होंने रिकमेंड किए दट आर द डिस्क्रिप्शनरी स्टेज ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है ये डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसिज एंड प्रोसेस उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ें देखनी हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट इमिनेटिंग फ्राम टॉप टू ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इन्वायरमेंट एम्बेडिंग इन द कंपनीज कल्चर तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि हमें एक स्टेज जो लेंगे कि हमें कंट्रोल इन्वायरमेंट की तरफ जाना है कि ओवरऑल हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को बिल्टेन करें और इसका एक कल्चर डेवलप करें ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल उसमें हमारी फैक्टर्स को बिल्टेन किया जाए ऑस्कल विल नीड टू ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्राम शेयर होल्डर तो इनको डिसाइड करना कि हमने कितना रिस्क लेना है और हमारे शेयर होल्डर उतना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं ताकि उनके रिटर्न एंड रिस्क फैक्टर्स शुड बी वेल कैप्चर्ड ऑब्जेक्टिव सेटिंग ऑस्कल इज लाइकली टू सेट चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव टू जनरेट प्रोफिट अब हमें पहली बात तो हमने कहा कर ली अब हमें यहाँ पे एक सेट करना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे वी शु टेक

रिस्क असेसमेंट अगर वो हो जाएंगे फिर कौन कौन से रिस्क होंगे फिर हमें उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाए तो ये एक केस स्टडी थी टू गेट अ बेटर आइडिया के कैसे वर्कआउट करेगा थैंक यू